एक दिन पहले ही सब कुछ करना होता है। हाँ, एक दिन पहले लहसुन प्याज नॉनवेज वगैरह नहीं खा सकते, और उसके अलावा एक दिन पहले जो है बोलते ना सब कुछ मेंटेन करना है कि कुछ ऐसे लहसुन प्याज वाले हम चीज़ नहीं खा सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। सो आज का ब्लॉग है कुछ हटके, क्योंकि कल है वट सावित्री पूजा। हम लोगों में होता है वट सावित्री पूजा जो हस्बैंड के लिए किया जाता है, तो वो है। तो आज करने वाली हूँ मैं शॉपिंग। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कल है वट सावित्री पूजा। मम्मी ने मुझे बताया था मुझे पूजा है, तो फिर उसी के लिए हमने कुछ तैयारी भी नहीं किया। तो आज ही हमें एक दिन में सब कुछ करना है। हमें एक साड़ी खरीदने हैं, पूरे जितने सामान हैं फंक्शन के लिए वो सब खरीदने हैं। उसके अलावा हाथों में मेहंदी लगानी है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें सिर्फ आज जो जितना घंटे हैं सिर्फ 8 बजे तक हमें सब कुछ कर लेना है। तो अभी हम थोड़ी देर बाद हम शॉपिंग के लिए निकलेंगे। अभी हमने नहावा लिया, पूजा पाठ हो गया, सिंदूरदान किया मैंने खुद का खुद से, और अभी दृष्टि नहा रही है। खाना पीना हो गया और नाश्ता भी बन गया, सब कुछ हो गया। अभी बस खाना बाकी है, बन गया, खाया नहीं है अभी। तो दृष्टि अभी नहा रही है, उसको उसकी दीदा और उसकी दादी माँ नहला रही है। दृष्टि को इसकी दीदा और इसकी दादी माँ नहला रहे हैं। जैसे कि कल है वट सावित्री पूजा, तो एक दिन पहले ही सब कुछ करना होता है। हाँ, एक दिन पहले लहसुन प्याज नॉनवेज वगैरह नहीं खा सकते, और उसके अलावा एक दिन पहले जो है बोलते ना सब कुछ मेंटेन करना है कि कुछ ऐसे लहसुन प्याज वाले हम चीज़ नहीं खा सकते, टच भी नहीं होना है। तो वो सब मेंटेन किया हमने। उसके हम मेरे लिए आज हमने खाया आलू के पराठे, टेस्टी। और आलू के पराठे के साथ दही खाओ तो और भी मज़ा आता है, तो मैंने वो भी खाया। और उसके साथ साथ हेयर वॉश करना होता है एक दिन पहले ही, क्योंकि कल बोलते ना फ्रेश तेल लगेंगे, सिंदूर ऐसे होगा, फिर ऐसे वाला सिंदूर विंदूर होगा, सब कुछ होगा। तो एक दिन पहले हेयर वॉश करना होता है, तो मैंने आज हेयर वॉश किया। वैसे ही हेयर वॉश करते ही ऐसे वाला फीलिंग आता है जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम बोलते ना सर दर्द ख़त्म हो जाता है। तो वो हुआ, बाहर इतना ज़्यादा धूप है, लिटरली इतना ज़्यादा धूप है ना, बहुत फेस पे धूप आ रहा है, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं था कि वट सावित्री पूजा 30 तारीख को है, 30 मई को, और हमें इतना जल्दी जल्दी सब कुछ आज ही करना है, क्योंकि आज है 29 को, तो हमें तो ऑप्शन ही नहीं है आज शाम को जाना, क्योंकि शाम को जाने का हमें जाना अभी है, क्योंकि हम मेन चीज़ है हमारा साड़ी। तो साड़ी तो परचेस ही नहीं किया, तो भी साड़ी लाना है, फॉल वॉल वगैरह सब मेंटेन करना है, भी देना है, लगाना है, पता नहीं क्या। अभी अभी हम रेडी हुए हैं प्रॉपर, जैसे मैं अभी एकदम रेडी होके और बैग हाथ में झोला मतलब बैग लेके अभी हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, मैं और मम्मी। तो वहाँ से बहुत सारे सामान खरीदने वाले हैं। मैं और मम्मी निकल गए बाई मिस्टेक, ये जानबूझ के नहीं, बाई मिस्टेक मेरी और मम्मी जी का कलर मैच हुआ है आज पहली बार ड्रेस का, बाय मिस्टेक। ये भी ग्रीन ग्रीन, मैं भी ग्रीन ग्रीन। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah I'm all about keeping it you and शॉपिंग के लिए, क्योंकि जिधर हम रहते हैं ना वहाँ पे बहुत हाई लेवल का है, हम फिर भी लेते हैं, बट अभी हमारे पास टाइम है, तो इधर जो है हमारे घर से थोड़ी सी दूर जाके रिजनेबल प्राइस मिल जाता है। हम लोग आ गए हैं शॉपिंग के लिए, अभी इस दुकान में डिफरेंट टाइप्स ऑफ साड़ीज़ हैं। When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just. यहाँ पे हम साड़ी तो ले लिए, साड़ी का फाइनल हो गया, अब हम लेंगे ब्लाउज। और अभी हम लोग का शॉपिंग चल ही रहा है। यहाँ पे हम लोग साड़ी जो खरीद रहे, तो ये हमें साड़ी दिखा रहे हैं और साड़ी से हमने फैला दिया है। यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं और यहाँ पे हमने भगवान का पूजा के लिए सब कुछ लिया है। तो अब कल जो पूजा है उसके लिए हम इस दुकान पे आए हैं और सामान खरीदे मेरी मम्मी जी। अंधेरा हो गया, हम लोगों ने सब कुछ खरीद लिया, अब हमें साड़ी का फॉल ब्लाउज़ रेडीमेड चाहिए जो नहीं मिला है। और बाहर इतना धूप है, मम्मी का डाउन हो चुकी है, और पीछे जो है ठाकुर जो कॉलेज दिख रहा है वो बाबू का कॉलेज है, तो हम बाबू के कॉलेज के पास हैं। हम लोग अभी गन्ने का जूस पीने वाले हैं, हम बहुत थक गए, तो यहाँ पे हम गन्ने के जूस पियेंगे। अब मम्मी हमें जूस पिलाने वाली हैं। हमारा है गन्ने का जूस, हम गन्ने का जूस पीने वाले हैं। ये है गन्ने वाला भैया।
इतनी गर्मी में हमारी फाइनली शॉपिंग हो गया, तो हम शॉपिंग करके घर वापस आ रहे हैं, काफ़ी थक गए। मैंने तो जूस पिया, मम्मी तो पता नहीं उपवास में क्या पता नहीं कुछ नहीं किया। जूस कैसे पी सकती है मम्मी है डायबिटीज पेशेंट, तो इसीलिए मम्मी गन्ने का जूस नहीं पी सकती हैं। अब हमारी शक्ल से लग रहा है कि हम कितना थक गए हैं। मेरा तो फिर भी ठीक है, मम्मी का तो पूरा डाउन है। और हम मैंने स्प्राइट लिया है, और इस स्प्राइट के पीछे भी लोचा था कि हम लोग गए और फिर ना एक दुकान मिला, नहीं दो दुकानें मिला, तीसरे में भी नहीं मिला, चौथे में गई ना तो मिला। फिर इसके ऊपर ना पहली बार ये स्प्राइट की कंपनी जो है ना वो प्रिंट देना भूल गए, तो इसे प्रिंट नहीं था, तो उसे भाग के किसी और दुकान में जाकर चेक करना पड़ा कि इसका प्राइस कितना है। इसमें ना कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। प्रिंट जो शॉपिंग करके आए हैं ये लेके बैठ गई है इसके अंदर, इतना सारा सामान हम खरीद के लाए। अभी हो गई है शाम, तो शाम अभी हम मेरा ब्लाउज़ नहीं हुआ था तो ब्लाउज़ लेना है, तो कुछ फ्रूट्स लेने हैं वो अभी मैं जा रही हूँ लेने के लिए। मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरी माते जी मतलब मम्मी, सासू मम्मी, तो सासू मम्मी भी जा रही हैं। सासू मम्मी ने चेंज नहीं किया, पर मुझे इतनी गर्मी लग रही थी तो मैंने चेंज कर लिया। ये है मार्केट, यहाँ पे मैं हूँ, और इधर भी सामान है, इधर भी सब कुछ इस मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा है, लिखा हुआ है जय भवानी कोकन संस्था .org समथिंग करके है, तो यहाँ पे बहुत रश है, और यहाँ पे फंक्शन चल रही है किसी चीज़ का, लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं और कुछ लेक्चर चल रहा है। अभी नाटक दिखा रहे हैं, जो नाटक मेरे समझ के बाहर है। यहाँ पे ब्लाइंड फोल्ड करके कुछ नाटक है जो मराठी में है, मुझे समझ में नहीं आती है मराठी, तो कुछ मैसेज देना चाहते हैं ये लोग, मुझे नहीं पता, बट हाँ बहुत भीड़ है, हद से ज़्यादा भीड़ है। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे आँख काजल वाजल सब कुछ, तो मैं जो मेहंदी लगाऊंगी रात में जब दृष्टि सो गई, सो जाएगी, अभी 12 बज रहे हैं, तो आई डोंट थिंक से लगा पाऊँगी। अभी दृष्टि चाचू के साथ खेल रही है, तो अभी उसका सब कुछ हो जाए, खाना तो खिला दिया, बस उसको सुलाना पा के तो सो जाए तब मैं लगाऊंगी, तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। सो अब रात हो गई, अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग कमेंट शेयर लाइक करना मत भूलें, और जो नया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। अभी के बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू।